नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी संस्कृत टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के छठे पाठ सदाचार्य के अभ्यास प्रश्न करवाऊंगी। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तो पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न का, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। तो इनका आप गाकर अभ्यास करेंगे। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। सही कथन के सामने हाँ, आम माने हाँ, और गलत कथन के सामने ना नहीं ऐसा लिखना है। तो पहला है, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो ये सही है कि गलत है? सही। तो इसका क्या हो जाएगा? आम। अनरतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, गलत है ना? तो इसका हो जाएगा ना। मनसा श्रेष्ठ जनम सेवेत, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए। तो ये सही है कि गलत? सही। तो इसका हो जाएगा आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है? नहीं, ना। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, कल करने योग्य कार्य को आज करना चाहिए, आम। सही। तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर क्या करने, एक पद में देने। तो पहला है, कह ना प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, नहीं करती है? तो क्या हो जाएगा? मृत्यु। मृत्यु ना प्रतीक्षते, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। केवल एक पद में देना है तो आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता सच कब व्यवहार में होना चाहिए, कब होना चाहिए? सर्वदा, हमेशा। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरह सुखी ना भवेत, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है? किसके साथ? मित्र के साथ। तो उत्तर हो जाएगा मित्रेण। कह महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, कौन सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में स्थित है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्यम। और सबसे बड़ा बंधु कौन है? उद्यम। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ा शत्रु, तो क्या आ जाएगा? आलस्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे कुछ पदों पर रेखा खींची हुई है, जिन पदों पर रेखा है खींची हुई है उनके आधार पर हमें क्या करना है? प्रश्न बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है। मृत्यु ना प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? तो क्या हो जाएगा मृत्यु की जगह? कह ना प्रतीक्षते। तो इसके आगे क्या लग जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। कलहम कृत्वा नरह दुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। तो इसमें क्या है? कलहम। तो इसका उत्तर प्रश्न कैसे बनाएंगे? क्या करके? किम कृत्वा नरह दुखी भवति, आगे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो पितरम पे लाइन है, तो कैसे बनाएंगे? किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए? कम कर्मणा सेवेत। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। तो व्यवहार में का श्रेष्ठ है, कौन क्या चीज़ श्रेष्ठ है? तो व्यवहारे का श्रेयसी, आगे क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सबके व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो इसका आ जाएगा कदा व्यवहारे, किसके व्यवहार में सरलता होनी चाहिए? कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचत। देखो अब इसमें क्या है,
ये चक्र सा बनाया हुआ है, इसमें तीन क्रियापद दिए हुए हैं, ब्रूयात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए और स्यात होना। और ये क्या है, आगे के वाक्य दिए गए हैं, तो हमें इनके साथ सही क्रियापद का लिखकर उचित वाक्य बनाना है। जैसे पहला है सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ब्रूयात बोलना चाहिए। जैसे सत्य और प्रिय ब्रूयात, तो इसका आ जाएगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात। खा है वाचा गुरुम, वचन से गुरु की क्या करनी चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, तो हो जाएगा वाचा गुरुम सेवेत, वचन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसे तीसरा बनेगा सत्यम अप्रियम चैना ब्रूयात, सत्य और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ये इधर वाला तो पूरा का पूरा आ जाएगा, और इन तीनों में से एक क्रियापद इस वाक्य के साथ लगाना है। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अनरतम प्रियम चैना प्रियवात, झूठा प्रिय प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है मंजुषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजुषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें कुछ शब्द दिए हैं, अव्यय पद दिए हैं, उनको चुनकर खाली जगह भरनी है। भक्त सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त सदा ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो पहले में क्या आ जाएगा, सदा। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए न। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छते, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, आप कुशल हो। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा। नेक्स्ट है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर और मंजुषा से पदों को चुनकर वाक्य बनाने हैं। देखो इसमें क्या है, एक गुरुजी हैं और ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर शाम पट पर, तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, लिखति कक्षायाम श्याम पट्टे लिखन्ति सह पुस्तिकायाम शिक्षक है छात्र है उत्तराणि प्रश्नम ते। अब इन शब्दों का प्रयोग करके हमें इस चित्र को देखते हुए वाक्य बनाने हैं। तो पहला क्या आ जाएगा, शिक्षक है श्याम पट्टे लिखति, शिक्षक श्याम पट्ट पर लिख रहा है, लिख रहे हैं ना शिक्षक, तो शिक्षक श्याम पट्ट पर लिखते हैं। दूसरा है सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, वह श्याम पट्ट पर प्रश्न लिखते हैं। छात्रा कक्षायाम पठंती, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखंती, वे पुस्तिका में अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं लिखते हैं। तो इनको इनमें से इस चित्र के अनुसार हम ये वाक्य बनाएंगे। इसी के साथ बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।